इजराइल दुनिया के उन चंद ताकतवर देशों में आता है जिसके सुरक्षा तंत्र को भेदना काफी मुश्किल है। हालांकि हमास ने इजराइल के इसी सुरक्षा तंत्र में सेंध लगाया था। अब इजराइल अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक और कदम आगे बढ़ गया है। इजराइल ने पहली बार जहाज पर सी डोम की तैनाती की है। इजराइल की सेना ने इलियट क्षेत्र में एक अलर्ट जारी किया है, जिसे फरवरी में यमन के हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया था। इसी हिस्से के पास में ही इजराइल ने शिप माउंटेड डिफेंस सिस्टम सी डोम को लगाया है। अब क्या है ये सी डोम, आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी नाइट डिजिटल। सी डोम इजराइल के ही आयरन डोम का नेवल वर्जन है, यानी अब समुद्र से ही दुश्मन के हमलों को रोका जा सकता है। सी डोम को समझने से पहले आयरन डोम को समझना होगा। आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो रॉकेट के हमले, मोर्टार और टॉप के गोले जैसे कई हमलों को भांप लेता है और उसे हवा में ही नष्ट कर देता है। आयरन डोम की तकनीक इजराइल की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 70 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है। जैसे ही कोई दुश्मन की मिसाइल या रॉकेट इस दायरे में आता है, आयरन डोम का डिफेंस सिस्टम ऑटोमेटिक ही एक्टिव हो जाता है और उसे ध्वस्त कर देता है। आसान भाषा में समझे तो ये जमीन से हवा में मार करने वाला ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के हमलों को रोकता है और ये 90% तक अटैक रोकने में सक्षम भी है। इजराइल ने 2006 के बाद इस सिस्टम को तैयार किया था। दरअसल 2006 में लेबनान से जंग के बाद हिजबुल्ला ने इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में हजारों रॉकेट दागे थे। इससे सैकड़ों लोगों की मौत हुई। इजराइल ने इस घटना से सबक लेते हुए आयरन डोम तैयार किया। यह हर मौसम में काम करता है और रॉकेट मिसाइल को ट्रैक करने के लिए रडार का इस्तेमाल भी करता है। नया सी डोम भी इसी तरह ही काम करता है। बस फर्क इतना है कि इसके तैनाती समुद्री क्षेत्रों में तैनात जहाजों पर की गई है। पहली बार सी डोम को 2014 में पेश किया गया था और 2022 में इसे सेना का हिस्सा बनाया गया। अब पहली बार इसे दुश्मन की मिसाइलों और रॉकेट का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैनात किया गया है। हालांकि इसमें वही तकनीक इस्तेमाल की गई है जो आयरन डोम में की गई थी। सी डोम को तैयार करने वाली इजराइल की फर्म राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड का कहना है कि सिर्फ दोनों के रडार में फर्क है। आयरन डोम के पास अपना खुद का रडार है, वहीं सी डोम समुद्री जहाज में लगे रडार का इस्तेमाल अपनी तरफ बढ़ने वाले टारगेट का पता लगाने के लिए करता है। ये अपनी गोलाकार रेंज में आने वाले टारगेट ध्वस्त करने का काम करता है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी9 डिजिटल पर।